आज की हमारी जो क्लास है वो भी उसी की कंटिन्यूएशन है इसमें हम रेवेन्यू एनालिसिस को देखेंगे हम देखेंगे रेवेन्यू क्या होता है हमारे पास मुख्तिफ अकसार की जो फॉर्म होती है प्राइस टेकिंग फॉर्म है और प्राइस मेकिंग फॉर्म है उसको देखेंगे इसके साथ हम देखेंगे टोटल रेवेन्यू क्या होता है एवरेज रेवेन्यू क्या होता है और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है और इनके कर्व जो हैं वो कैसे ड्रा किए जाते हैं और विद दी हेल्प ऑफ अ टेबल एंड ग्राफ मैं आप लोगों को भी ये मैं आप लोगों को भी ये समझाऊंगा कि ए आर कर्व टी आर कर्व और एम आर कर्व जो है वो कैसे बनता है उम्मीद है दोस्तों आपको इकोनॉमिक्स की समझ आ रही होगी और इनशाला इस सीरीज को खत्म होने के बाद आप इनशाला छोटे मोटे जो है वो इकोनॉमिस्ट भी बन जाएंगे आप ये कह सकेंगे कि मुझे जो है वो इकोनॉमिक्स का अब पता है चीजों का पता है तो चलिए दोस्तों हम आज की क्लास शुरू करते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ द रेवेन्यू कि रेवेन्यू जो है इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है इन इकोनॉमिक्स रेवेन्यू इज द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम जनरेटेड बाय द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और रिलेटेड टू द नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन के हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो नॉर्मली बिजनेसिस ऑपरेशन के थ्रू प्रोड्यूस की जाती हैं, उनकी सेल से जो इनकम या पैसे जनरेट होते हैं इसको हम रेवेन्यू कहते हैं इन सिंपल वर्ड दे आर कैश इन फ्लो दैट द फॉर्म रिसीव बाय वे ऑफ सेलिंग इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आसान अल्फाज में अगर मैं कहूं तो इससे मुराद कैश इन फ्लो है जो कंपनी के अंदर आया उन चीजों को फरोख्त करने से जो कंपनी बनाती है अब रेवेन्यू की जो है हमारे पास तीन जो है मुख्तलिफ सूरतें हैं एक टोटल रेवेन्यू होता है एक एवरेज रेवेन्यू होता है और एक मार्जिनल रेवेन्यू होता है इन तीनों को कैलकुलेट भी किया जा सकता है अगर हमने टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है तो पी मल्टीप्लाई बाय क्यू है इन फार्मूलाज को आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद करते रहें और साथ साथ आप अपने क्विज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद करते रहें P मल्टीप्लाई बाय क्यू है यानी कि प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वान्टिटी जितनी आपने चीजें प्रोड्यूस की हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे उनकी कीमत के साथ जो आप सेलिंग प्राइस है तो आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा इफ यू आर कैलकुलेटिंग द एवरेज रेवेन्यू तो टी आर डिवाइड बाई क्यू के आपने जो टोटल रेवेन्यू हासिल किया है यानी कि पी मल्टीप्लाई बाय क्यू से आप उसको डिवाइड कर दें क्वांटिटी से तो आपकी जो है वो एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा इसी तरह अगर आप मार्जिनल रेवेन्यू की बात करते हैं मैंने पिछली भी क्लास के अंदर आपको बताया था कि व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड मार्जिनल इट मींस द एडिशनल यूनिट एडिशनल यूनिट ऑफ रेवेन्यू एडिशनल यूनिट ऑफ कॉस्ट एडिशनल यूनिट ऑफ प्रॉफिट एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट तो मार्जिनल रेवेन्यू यानी कि एडिशनल रेवेन्यू तो यहां पे देखें डेल्टा टी आर यानी कि चेंज इन आपका टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू यानी कि चेंज इन क्वांटिटी तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा अब हम अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास दो किस्म की फर्म होती हैं एक प्राइस टेकिंग फर्म होती है एक आपकी प्राइस मेकिंग फर्म होती है जो प्राइस मेकिंग फर्म है ये आपकी प्राइस को डिटरमिन करती है यानी कि प्राइस बनाती है जो प्राइस टेकिंग फर्म है ये प्राइस को टेक करती है यानी कि प्राइस को डिसाइड नहीं करती है। अब यहां पे इनके डेफिनेशन भी देख लेते हैं प्राइस मेकिंग मेकर रेफर्स द फर्म हैविंग ए मार्केट पार्ट टू कंट्रोल द मार्केट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस विदाउट लूजिंग इट्स कस्टमर कि ये कस्टमर को खोए बगैर उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसका तयन करती है और मार्केट के ऊपर जो है इन्हें फुल कंट्रोल होता है ऑन द अदर हैंड इफ आर goods अबाउट services sold इन द मार्केट टू देयर कस्टमर जो वो अपने कस्टमर को चीजें बेच रहे होते हैं इनकी प्राइस के ऊपर इन्हें कोई अख्तियार नहीं होता अभी थोड़ी देर में मैं इनकी एग्जांपल भी आपको दिखाता हूं अब जो है वो लगे हाथों इसके जो डिफरेंसेस हैं, उनको भी देख लेते हैं प्राइस मेकर फर्म सेट द प्राइसिस ऑफ प्रोडक्ट प्राइस टेकर एक्सेप्ट द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट प्राइस टेकर एक्सेप्ट द प्राइस के प्राइस मेकर जो है वो प्राइस को सेट करती हैं और प्राइस टेकर जो है वो प्राइस को एक्सेप्ट करती हैं प्राइस प्राइज मेकअ एग्जिस्टिंग इन मेनोपली मेनोपली जो है ये मार्केट स्ट्रक्चर की एक एग्जाम्पल है प्राइस टेक अम एग्जिस्ट इन द परफेक्ट कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन ये भी हमारे मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड है इनशाला हमारी एक दो क्लासेज के बाद हमारा जो अगला टॉपिक शुरू होने वाला है वो मार्केट स्ट्रक्चर है तो वहां पे आपको मेनोपली और ये परफेक्ट कंपटीशन जो है वो मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ समझाऊंगा फॉर द टाइम बींग

ये डिमांड कर्व को जन डिसाइड करती हैं और जो आपकी प्राइस टेकिंग फर्म है ये इंडस्ट्री के डिमांड कर्व को डिसाइड करते हैं इसी तरह अगर हम बात करें मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्पल की जो प्राइस टेकिंग फर्म है वो आपकी एयरलाइन इंडस्ट्री है ये वेरी करती है आपकी एयरलाइन टू एयरलाइन ये जो है तकरीबन आपकी जो प्राइसेस हैं वो खुद सेट नहीं करती बल्कि एक जो कंपनी होती है उसको देख के अपनी जो है वो डिसाइड करती हैं कि हमने क्या करना है अब अगर हम मैं प्राइस मेकिंग फर्म की बात करूं तो अभी जो है हमारा कोविड नाइनटीन का पीरियड गुजरा है वहां पे अगर हम बात करें कोविड नाइनटीन की वैक्सीनेशन की जो मुख्तलिफ कंपनी की वाइफ और आ रही थी या कोई और कंपनी की आ रही थी वो कंपनी जो है वो प्राइस मेकिंग फर्म थी वो अपनी मर्जी से जो है वो प्राइस डिसाइड कर रही थी तो अब आप अपने इर्द गिर्द देखिए कि कौन सी जो है वो आपकी प्राइस मेकिंग फर्म है और कौन सी आपकी प्राइस टेकिंग फर्म है एग्जाम्पल मैंने आपको एक स्लाइड पे चलते हैं और दोस्तों हम रेवेन्यू की बात कर रहे थे तो हम देखते हैं कि हमारे आपके सामने एक टेबल नजर आ रहा है जो कि क्वांटिटी का है और प्राइस का है। यही आपका ए यानी कि एवरेज रेवेन्यू भी होता है यहाँ पे अगर हम बात करें क्वांटिटी वन है आपकी प्राइस आठ है दो पे सात है तीन पे छ चार पे पांच पांच पे चार छ पे तीन और सात पे दो है अगर मैं टोटल रेवेन्यू की बात करें तो हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था कि पी मल्टीप्लाई बाय क्यू यानी कि आठ कम आठ आ गया हमारा मार्जिनल रेवेन्यू हमारा कुछ नहीं है सात दो चौदह हमारी आ गई टोटल रेवेन्यू पी मल्टीप्लाई बाई क्यू किया मार्जिनल देखें पहले आठ साठ चौदह पे गए तो छे का डिफरेंस है छ चेंज आया तो 6 जो है वो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है इसी तरह छह अठारह जो है हमारी टोटल रेवेन्यू आ गया चौदह से अठारह के ऊपर गए तो चार का डिफरेंस यानी कि चार का चेंज आया चार जो है वो हमारी मार्जिनल है इसी तरह पांच सौ के बीस जो है वो हमारा टोटल रेवेन्यू है अठारह से बीस पे गए दो जो है वो हमारी मार्जिनल है इसी तरह इसी तरह पांचों का ए, है फिर से पर गए तो दो आ गया सातोनी चौदह अठारह से चौदह पर गए तो माइनस चार जो है वो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू आ गया तो उम्मीद है कि आपको टोटल रेवेन्यू की भी समझ आ गई होगी और इसी तरह टोटल जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू है इसकी भी समझ आ गई अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के ऊपर तो यहां पे देखें ओ एक्स लिया ओ वाई लिया ओ एक्स के ऊपर हमने क्वांटिटी को लिया ओ वाई के ऊपर जो है हमने प्राइस को लिया अब यहां पे देखें एक चीज और आई है जब हम ओ से नीचे की तरफ पॉइंट्स लेते हैं तो वो माइनस में जाते हैं अगर मैं लेफ्ट साइड के ऊपर लेता हॉरिजेंटली तो वो भी हमारे माइनस में जाते तो यहां पर देखें हमारी जो है पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं ए आर कर्व को तो देखें पहले यूनिट के ऊपर हमारा आठ है वो हमने एट के ऊपर आ गया दूसरे के ऊपर सात है तीसरे के ऊपर छह है फिर हमारा चौथे के ऊपर पांच है और हमारा पांचवें के ऊपर चार है और छठे के ऊपर तीन है और सातवें के ऊपर दो है तो जब हमने इन सारे ब्लैक पॉइंट्स को आपस में मिलाया और एक कर्व ड्राव किया तो ये हमारे पास ए आर कर्व यानी कि एवरेज रेवेन्यू का कर्व बन गया इसके बाद हम टी आर का कर्व बनाते हैं तो पहले के ऊपर देखिए हमारे पास आठ है ये रेड कलर के आपको पॉइंट्स दिखा रहा हूं मैं दूसरे के ऊपर आपके पास चौदह है तीसरे के ऊपर आपके पास अठारह है चौथे के ऊपर आपके पास बीस है बीस के बाद पांचवे के ऊपर फिर बीस है ये हमारा कर्व पॉइंट बन गया 20 के ऊपर और ये देखें दो पॉइंट बन गए चौथे के ऊपर भी और पांचवें के ऊपर भी छठे के ऊपर अठारह है ये फिर डाउन आ गया और सातवें के ऊपर हमारा चौदह है तो जब हमने इन रेड पॉइंट्स को आपस में मिलाया तो ये हमारे पास एक ये इस शेप का कर्व बन गया जिसको हमने टोटल रेवेन्यू कर्व का नाम दिया इसके बाद हम मार्जिनल रेवेन्यू की बात करते हैं पहले के ऊपर हमारा जीरो है और दूसरे के ऊपर हमारा छ है तो दूसरे के ऊपर देखें ये के ऊपर आ गया <coughs> <coughs> और <coughs> फिर जो है इसके साथ मैं आपको बताता चलूं कि दोस्तों आप डाउनलोड लेक्चर ना किया करें बल्कि कोशिश किया करें यूट्यूब के ऊपर ही देखें ताकि मुझे भी बेनिफिट हो और मैं इसी तरह आप लोगों के लिए लेक्चर रिकॉर्ड करता रहूं तीसरे के ऊपर देखें हमारे पास फोर है चौथे के ऊपर देखें हमारे पास दो है पांचवें के के ऊपर ऊपर हमारे पास देखें बिल्कुल जीरो आ गया तो ये हमने जीरो के ऊपर लिया उसके बाद छठे के ऊपर देखें माइनस टू है तो माइनस टू ये हमारा नीचे चला जाएगा इसके बाद माइनस फोर है तो माइनस फोर चला गया अब जब हमने इन ग्रीन डॉट्स को आपस में मिलाया और एक कर्व जो है ड्रा किया तो ये हमारे पास एम आर कर्व यानी के मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व बन गया उम्मीद है दोस्तों आपको एवरेज रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की समझ आ गई होगी और ग्राफिकली भी मैंने आपको रिप्रेजेंट करके दिखा दिया और उम्मीद है आप लोगों को इकोनॉमिक्स की ये सीरीज भी पसंद आ रही होगी और आप इकोनॉमिक्स का बहुत ज्यादा सीखेंगे इनशाला दोस्तों आज की क्लास का जो टाइम है वो तकरीबन खत्म हुआ चाहता है हम यहीं पर अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं और क्विकली समराइज करते हैं आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने बात की रेवेन्यू की हमने देखा टोटल रेवेन्यू क्या होता है एवरीज रेवेन्यू क्या होता है और हमारा मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है और टेबल और ग्राफ की मदद से ये मैंने आपको समझाए भी इसके साथ हम लोगों ने देखा कि प्राइस मेकिंग फर्म्स क्या होती हैं और प्राइस टेकिंग फर्म्स क्या होती हैं उम्मीद है आज की क्लास को आपको समझ आ गई होगी आखिर में दोस्तों मैं यही कहूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आपने लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कमेंट भी किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके मिलते हैं अगली इकोनॉमिक्स की वीडियो के साथ उस वक्त तक के लिए मोहसिन भाई को इजाजत दीजिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों